पिज्जा बेस बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बाउल में 1 कप मैदा ले लूंगी। 1 कप मैदा मतलब 125 ग्राम मैं ये मैदा ले लूंगी। अब मैं इसमें ईस्ट डाल रही हूं, आधा टीस्पून मतलब 2 ग्राम मैं ईस्ट डाल रही हूं। और मैं ये वाला पैकेट ले आई हूं इंस्टेंट ड्राई ईस्ट का, ये बाजार में इजिली अवेलेबल हो जाता है। पर आपको अगर ये वाला ईस्ट ना मिले, एक्टिव ड्राई ईस्ट मिले, तो उसको हमें क्या करना होता है, उसको हमें पानी में घोल के डालना होता है। पानी में घोल के डालने से वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है, उसके बाद हमें इसका डो लगाना होता है। और इसमें मैं अब आधा टीस्पून पाउडर शुगर डाल दूंगी। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट डाल रहे हो, पानी में घोल के डाल रहे हो, तो ये मैंने ये जो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट डाली है तो 2 ग्राम डाली है, एक्टिव ड्राई ईस्ट डाला तो अब 3 ग्राम डाल देना। अब इसमें मैं एक चुटकी नमक डाल रही हूं, मतलब 1 ग्राम नमक डाल रही हूं, और जो पाउडर शुगर डाली थी मैंने वो 2 ग्राम डाली थी। अब इसमें हमें 2 टीस्पून ऑयल भी डालना है, वो हमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही डालना है। मैं 1 चम्मच और डाल दूंगी तो ये 10 ग्राम हो जाएगा। अब इसमें हम 1/4 कप पानी डाल के इसका डो लगाएंगे, मतलब हमें 60 से 65 ml पानी डाल देना है इसके अंदर। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसे हाथ से डो लगाऊंगी। अब मैंने इसका रोटी जैसा सॉफ्ट डो लगा लिया है, तो अब मैं इसे सरफेस पे रखकर जब तक मलूंगी जब तक ये हमारा आटा खिंचने ना लगे। आटे को मैंने अच्छे से सरफेस पे मल लिया है, और हमें ये मलना जरूरी होता है ताकि ये हमारा खिंचाव आने लगे। हमारा ये आटा जो खिंचता है, देखिए ये ग्लूटन जो होता है आटे में से खिंचने लगता है, तो अगर हम ऐसे मलेंगे तो हमारा बहुत अच्छा पिज्जा बनेगा। अब इसको हम क्या है 10 मिनट के लिए हम क्लीन रैप लगा के रख देते हैं इसे रेस्ट करने के लिए, इससे हमारा डो फूल जाएगा, जो हमने डाली है उससे फूल जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, तो जो मैंने क्लीन रैप लगाया था वो मैं हटा दूंगी, और आटा हमारा अच्छे से फूल गया है क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो अपने आप से इस डालने से फर्मेंट हो गया है। देखिए कितना अच्छा ऊंचा उठा हुआ है, देखिए कितना अच्छा फर्मेंट हो रहा है ये। अब मैं इसके पेड़े या लोई तोड़ लूंगी, मैं इसके 2 पेड़े ही तोड़ूंगी। आपके क्रस्ट और या आपकी साइज भी निर्भर करता है कि आप इसके 3 भी पिज्जा बना सकते हो। 3 पिज्जा मतलब आप 70-70 ग्राम की लोई ले सकते हो, मैं इसकी 2 ही लोई रखूंगी तो ये मेरी 90-90 से 100 ग्राम तक हो जाएंगी। मैं 2 लोई तोड़ रही हूँ, इक्वल इक्वल तोड़ लूंगी मैं। अब मैंने एक बोर्ड पे चॉपिंग बोर्ड पे डस्ट लगा दिया है, तो अब इसको हम रोटी की तरह बेलेंगे, पर बेलन का यूज नहीं करेंगे, हाथ से हम इसे बढ़ा लेंगे। अब मैंने इसे हाथ से बढ़ा लिया है, तो एक फोक की मदद से इसमें जगह जगह फोक कर देंगे हम। अब मैंने एक प्लेट ले ली है, उस पर ऑयल से ग्रीस कर लिया है, तो उसके ऊपर मैं ये पिज्जा बेस रख दूंगी, और फिर से हमें ये 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रख देना है, और उस पर हमें क्लीन रैप लगा देना है। 10 मिनट हो गए हैं, तो पिज्जा बेस हमारा फूल गया है। अब मैंने एक गैस तंदूर ले लिया है और मैंने इसे प्री हीट कर लिया है, तो इस प्लेट को मैं इस पे रख दूंगी और 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाऊंगी और ढक्कन भी लगा दूंगी, तो हमें सावधानी से रख देना है। अब गैस तंदूर की जगह कढ़ाई भी ले सकते हो, आज मैं कढ़ाई पर भी आपको बनाकर दिखाऊंगी। और इसके नीचे मैंने नमक बिछा दिया है, नमक का कलर इसलिए चेंज है क्योंकि मैं इसमें जब कुकीज वगैरह कभी बनाती हूँ तो उसका कलर चेंज हो गया है, तो इसको फेंकना नहीं होता, डब्बे में भर के रख देना होता है, और जब भी कुछ काम हो तो बिछा के इससे क्या इक्वल हीट आती है। उसके ऊपर मैंने वायर स्टैंड रख दिया है, अब वायर स्टैंड के ऊपर इस प्लेट को भी रख दूंगी और ढक दूंगी, आंच को धीमी ही रखूंगी। उसको भी हमें हाफ डन करना होता है, तो 10 मिनट लगेंगे और हमारा पिज्जा बेस तैयार हो जाएगा।
अगर आप ओवन में पका रहे हो तो आपको 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक करना होगा। तो हाफ डन हो जाएगा, 10 मिनट हो चुके हैं, तो हम ढक्कन हटाकर देखते हैं अपना पिज्जा बेस। देखिए हमारा पिज्जा बेस कितना अच्छा बना है और कितने अच्छे से फूल गया है। तो फ्लेम को बंद कर देंगे और प्लेट को हटा देंगे। जो हमने कढ़ाई में बनाया था वो भी अच्छे से फूल गया है। इसे भी 10 मिनट हो गए हैं, तो फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे भी हटा लूंगी पिज्जा बेस को। इस तरह से आप भी घर में पिज्जा बेस बना सकते हो और इसे स्टोर करके भी रख सकते हो किसी एयर टाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में, या क्लीन रैप लगा के इसे रख सकते हो लपेट के। तो जब आपको पिज्जा खाने का मन हो तो पिज्जा बेस खोलिए और अपना पिज्जा बनाइए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।